सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि वो ब्लैक ब्लास्ट ब्लास्ट करने वाला होता है, लेकिन तब भी सुपिंग उसका मुंह दबा देता है और उसे कह रहा होता है, हे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मेरे स्टोर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपने अटैक को तुम खुद ही निकल जाओ। उसकी बातें सुनते हुए वो जो ब्लैक ब्लास्ट होता है वो अपने अटैक को खुद ही निकल जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो सुपिंग को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सुपिंग उसे कह रहा होता है, हे तुम्हें और क्या शिकायत है हमारे स्टोर के बारे में। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, आखिर इस आदमी के साथ क्या हो गया है, इतना जल्दी ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है, इसने ब्लैक ब्लास्ट के हमले को रोक दिया है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो घबराते हुए सुपिंग से कह रहा होता है, नहीं 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 मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये सुनते हुए सुपिंग उसे कह रहा होता है, तो ठीक है अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर ब्लैक ब्लास्ट को कुछ दिन यहाँ पर ही रहने दो हमारे स्टोर में, मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूंगा और उसके साथ अच्छे से व्यवहार करूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो बाकी के दोनों होते हैं वो बहुत ही घबराते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं, जहाँ पे वो जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं तुम हमें मारना चाहते हो, यहाँ से भागो। और ये कहते दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो उन दोनों को देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, क्या हुआ आखिर ये दोनों भाग क्यों रहे हैं, क्या मैं इतना भयानक दिखा हूँ। तभी उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि स्टोर के ऊपर जो संकट था वो खत्म हो चुका है, तो इसलिए उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा और उसके ऊपर वो उस रिवॉर्ड को यूज भी कर सकता है। तो ये सब देखते हुए वो अपने उनमें कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं इसका यूज करने वाला हूँ। और ये कहता है वो यूज के बटन पे क्लिक करता है और जैसे वो उस पर क्लिक करता है वैसे ही उसका जो स्टोर होता है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है और एकदम साफ सफाई हो जाता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, आखिर ये क्या हो गया है, मेरा स्टोर तो पूरा पूरा चमक गया, इतना ज्यादा क्लीन कैसे हो सकता है, क्या ये कमरा मेरा है। और ऐसे ही वो अपने रूम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे बहुत बहुत सारे पेट होते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, तो ये पालतू पेट्स का पिंजरा है, लेकिन ये पालतू पेट्स इतने ज्यादा छोटे क्यों है। तब इसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि ये जो पेट है ये अपना साइज बदल सकता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, तो क्या ऐसा है, लेकिन अगर क्या होगा कि वो बेवकूफ सा कुत्ता कुछ भी गड़बड़ी कर दे, ये काफी अजीब हो सकता है। तभी वो सिस्टम उससे कह रहा होता है, तुम इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जो फोस्टर एरिया है ये पेट के लिए है, जहाँ पे ये पेट के कल्टिवेट स्टेट में है, जहाँ पे उन्हें भूख नहीं लगेगी और प्यास भी नहीं लगेगी। तो ये सब देखते हुए वो कह रहा होता है, तो इन दो पालतू पेट्स को यहाँ भेजा जाना चाहिए ताकि हम उनकी देखभाल कर सके। और वो सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके सामने और एक सिस्टम ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि बधाई हो, होस्ट को एक नया टारगेट मिला है, जो कि टारगेट है कि उसे अपने पेट को चुनना होगा और उसको 3 रैंक तक ले जाना होगा, या फिर उसे ज्यादा ले जाना होगा, या फिर उसे ज्यादा बढ़ाना होगा। जहाँ पे उसे दो पेट लेने का ऑप्शन होता है, जहाँ पे पहला वाला उसे चेसिंग मून हाउंड होता है और दूसरा वाला लाइटिंग रेड होता है। ये सब देखते हुए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, मेन मिशन को ट्रिगर करने की जरूरत है, तो मुझे सबसे अच्छा चुनना चाहिए, तो इसलिए मैं लाइटनिंग रेड चुनूंगा, चेसिंग मून हाउंड ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो इसलिए मुझे लाइटनिंग रेड ले जाना चाहिए। तभी एक सिस्टम ओपन होता है और उसके हाथ में वही लाइटनिंग रेड पैट आ जाता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, यानी कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है, आखिर ये सब क्या है, ये तो कितना ज्यादा क्यूट है, क्या ये लड़ पाएगा, क्या इस चूहे के पास कोई भी लाइटनिंग स्किल या फिर कोई भी पावर है, क्या ये मेरा साथ दे पाएगा, ये तो काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। तभी अचानक से उसके नीचे से एक पोर्टल ओपन होता है और उसका मेन मिशन शुरू हो जाता है, और वैसे वो पोर्टल के थ्रू किसी दूसरे डायमेंशन यानी कि किसी दूसरे जगह में चले जाता है, जहाँ पे वो जाते हुए देखता है कि वो जगह काफी ज्यादा अजीब है, जो कि देखते हैं वो काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, ये जगह ये तो काफी ज्यादा अजीब है, आखिर ये कौन सी जगह है, क्या ये वही नेचरलैंड है। और जैसे वो अपने सामने देखा है कि वहाँ पे एक बड़ा सा ट्री होता है, जो कि देखते हैं वो कह रहा होता है, ये पेड़ तो दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्या यहाँ के लोग भी इतने ज्यादा बड़े हैं। तभी वो जो रेड होता है वो ये पेड़ देखते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्ला रहा होता है, जिसे देखते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है, ये तो बस एक शुरुआत है, आगे जाके बहुत ही खतरनाक मिशन आने वाले हैं, तुम अभी से क्यों डर रहे हो, 100 मीटर में इनकाउंटर और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बीस्ट होने के चांसेस है, तो मुझे लगता है कि वो सारे के सारे बीस्ट यहाँ पे हर जगह है, क्यों मैं सही हूँ। और वो ये कह ही रहा होता है कि तभी उसके सामने अचानक से बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है, जो कि 1000 मीटर रैंक किंग बीस्ट लाइटनिंग एबस थंडर किंग कुन होता है, मतलब कि इसका नाम ही बहुत ही लंबा है, तो सोचो ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा बड़ा होगा। जिसे देखते हुए वो जो सुपिंग होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे भगवान आखिर ये मॉन्स्टर क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक अटैक करता है, जिससे सुपिंग और उसका पेट दोनों ही मारे जाते हैं, जहाँ पे सुपिंग एक दूसरे जगह में पहुंच जाता है और वो खांसते हुए कह रहा होता है, क्या भगवान से, क्या मैं मर गया हूँ, आखिर ये कौन सी जगह है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। तब इसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि तुम 0.73 सेकंड में मारे जा चुके हो, तो अब तुम अपने रिवाइव के लिए वेट करो। और उसे एक वार्निंग भी दी जाती है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि अगर उसने अपना मिशन टाइम
से कम्प्लीट नहीं किया तो उसका जो रेटिंग है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा और ये जो नेचर लैंड वाला मिशन है ये उसका फेलर माना जाएगा और इसका जो होस्ट है वो मारा जाएगा। जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है, अरे सिस्टम जब मैंने उस मिशन को चुना था तब तुमने ये तो नहीं कहा था, तो बताओ अब मेरी रेटिंग कितनी है। तो सिस्टम उसे कह रहा होता है, बार की तरफ देखो और नीचे स्क्रोल करो, तुम्हारा इनाम और तुम्हारा सजा तुम नीचे देख सकते हो। जहाँ पे उसे बताया जाता है कि मिशन रिवॉर्ड वो पैट एनालिस्ट यानी कि बिगिनर रैंक होता है और अगर 3 दिन के अंदर मिशन फेल हो गया तो उसका जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं ऐसा कैसे हो सका है। सिस्टम उसे कह रहा होता है, तुम्हारी रेटिंग इतनी ज्यादा कम है कि उसे देखा भी नहीं जा सकता। जो कि देखते हुए सुपिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है, सिस्टम तुम तो कितने गंदे हो, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। और उसी के साथ साथ ये जो किंग बीस्ट है उसको बैगिनर विलेज में क्यों रखा गया, आखिर ऐसा क्यों है, वो तो मुझे एक ही बार में मार डालेगा, मैं उसे कैसे हराऊंगा। सिस्टम उसे कह रहा होता है, किंग बीस्ट को मारने का चांस वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसलिए तुम्हें दूसरे बीस्ट को ढूंढना पड़ेगा और उसे किल करना पड़ेगा और वैसे भी होस्ट की सेंस वो काफी ज्यादा कम है, तो इसलिए तुम्हें अपने पेट बीस्ट के साथ टेम्पररी कॉन्टेक्ट कर लेना चाहिए। तो ये सब देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कह रहा होता है, तो ठीक है मुझे जल्दी शुरू कर देना चाहिए। और वैसे ही वो रिवाइव हो जाता है और फिर से उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसी के साथ साथ उसका पैड भी रिवाइव हो जाता है और वो दोनों अपना टेम्पोररी कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का सेंस काफी ज्यादा तेज हो जाता है और वो लोग जानवरों को ढूंढने लगते हैं। तभी उनके सामने एक घोड़ा दिखा है, यानी कि वो भी एक बीस्ट ही होता है, जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, हॉर्स बीस्ट ये तो घास खाता है तो इसलिए हमें ज्यादा खतरा नहीं है और ये अकेला ही है तो इसलिए मौका बहुत ही अच्छा है, हमें अभी अटैक कर देना चाहिए। और वैसे ही वो अपने बीस्ट की तरफ देखा है जो कि काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं इसकी डर को फील कर सका हूँ, तो इसके डर को देखते हुए मुझे लगता है कि सामने खतरा होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उस हॉर्स को खा जाता है और वो जो बीस्ट होता है वो मीटर्स रैंक लार्ज बीस्ट यंग एंड वार्म होता है, जिसे देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, जैसे कि मैंने सोचा था ये वैसा ही है, ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है लेकिन ये 100 मीटर का नहीं है तो इसलिए हमारे पास एक चांस है, तो इसलिए जाओ लाइटिंग रैट जाओ और उसे मार डालो। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस पर हमला करता है, जो कि देखते हुए सुपिंग उसके पीछे से कह रहा होता है, जाओ और इसके गले पे काट डालो अपने फुल पावर के साथ साथ। उसकी बात सुनते हुए वो जो बीस्ट होता है वो बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है लेकिन उसके हमले से उस मॉन्स्टर को जरा से फर्क नहीं पड़ता और वैसे ही वो जो लाइटनिंग रैट होता है वो वहीं पर ही मर जाता है, जिसे देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, इस लाइटनिंग रैट की कॉम्बैट एबिलिटी ये तो काफी ज्यादा कम है, सौभाग्य से उसके पास अनलिमिटेड रिवाइव है तो इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कितनी भी मार मरे, हम धीरे धीरे इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं तो इसलिए कई हमलों के साथ हमें इसे मारना पड़ेगा। और वो लाइटिंग रैट फिर से रिवाइव हो जाता है और बहुत ही तेजी के साथ फिर से उसी मॉन्स्टर पर हमला करता है, जहाँ पे सुपिंग उसे कह रहा होता है, अपनी स्पीड को मेंटेन रखो और उसके पास जाओ और अपनी साइज का यूज करते हुए उसके अटैक को डॉच करो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है उसकी बातें सुनते हुए वही सब करता है, तभी सुपिंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ अभी लाइटिंग रैट अपनी सारी पावर का यूज करो और उस गंदे से मॉन्स्टर को मार डालो। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस पर हमला करता है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो जो लाइटिंग रैट है उसे वो मॉन्स्टर खा जाता है एंड इसी के साथ साथ वो जो पेट होता है वो फिर से मर जाता है और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।